Hello friends, welcome to Gyan Education. Today we will talk about the money supply. Money supply is very important topic, right? As it is a very broad one. Let's start with M1. So it consists of M1 में अगर बात करें, it consists of currency notes. Coins with public excluding cash in hand of all banks, right? Currency notes and coins with public, ये first हो जाएगा इसमें. Second, demand deposit, उसमें अगर उसको हम उसमें क्या कर देंगे, हम exclude कर देंगे, छोड़ देंगे इसमें. Interbank deposits, इससे हम exclude कर देंगे इसमें, ठीक है. Deposit held with RBI, ठीक है. ये फर्स्ट है, सेकंड, ये तीन, थर्ड. ये तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, M1, राइट. इसे हम नैरो मनी भी बोलते हैं, राइट. तो आप यह ध्यान रखें कि इसे आपको जो है क्या ऐड करना है, ये तीनों ऐड करना है और एक्सक्लूड क्या करना है, जो, राइट, ये सारे आपको एक्सक्लूड करने हैं, एक्सक्लूडिंग कैश इन हैंड इस फर्स्ट में से, आप इंटरबैंक डिपॉजिट सेकंड में से, ठीक है. थर्ड में से IMF PF गारंटी फंड डॉक्यूमेंट, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं M2. इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, राइट. तुम्हारा क्या निकल जाएगा, M2. अगर बात करें M3 की, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक, इसमें हम क्या छोड़ देंगे, इंटर बैंक डिपॉजिट छोड़ देंगे, ठीक है. ये को फर्स्ट हो गया. सेकंड देखते हैं, यहां पे इट इंक्लूड्स नेट बैंक क्रेडिट टू गवर्नमेंट प्लस बैंक क्रेडिट टू कमर्शियल सेक्टर प्लस नेट फॉरेन एक्सचेंज असेट्स प्लस गवर्नमेंट करेंसी लाइबिलिटी टू द पब्लिक. ओके फ्रेंड्स, तो आप क्या करते हैं इसमें, M1 प्लस आपका टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड कॉपरेटिव बैंक, राइट, एंड नेट बैंक क्रेडिट टू गवर्नमेंट प्लस बैंक क्रेडिट टू कमर्शियल सेक्टर प्लस नेट फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स प्लस गवर्नमेंट करेंसी लाइबिलिटी टू द पब्लिक, ये सारे आपको ऐड करने मिल जाएगा M3, राइट. इसे हम ब्रॉड मनी भी बोलते हैं, M3 मनी को ब्रॉड मनी भी बोलते हैं. अब बात करते हैं M4 मनी की, इसमें हो जाएगा M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन, राइट फ्रेंड. M3 तो समझ में आ चुका था आपको, ठीक है. M4 में क्या आ जाएगा, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन. अब इतने मनी सप्लाई का, द ग्रोथ इन मनी सप्लाई मस्ट बी हायर देन द ग्रोथ इन रियल नेशनल इनकम, दिस स्टेम्स फॉर टू रीजंस, इसके दो कारण होते हैं. एज इनकम ग्रोस द डिमांड फॉर मनी एज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सेविंग टेंड्स टू इंक्रीज, और क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ सेविंग टेंड्स टू इंक्रीज, ठीक है, आगे बढ़ेगा. An increase in money supply is also necessitated by gradual reduction of non-mentioned sector of economy, right? Like in our country, the rate of increase in money supply has been far excess of the rate of growth in real national income. I hope it's clear to you, friends, right? If you have any doubts, any confusion, you can write down in our comment box. Thank you friends, see you in the next video.